चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट के सेकंड राउंड का शेड्यूल आ चुका है। कब से चॉइस फिलिंग करनी है, कब रिजल्ट आएगा, कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं, कौन से कैंडिडेट को चॉइस फिल करनी है, इस वीडियो में मैं आपको सारा ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जैसे ही हम राजस्थान की वेबसाइट rajugneet2024.org पर विजिट करेंगे तो नोटिफिकेशन राउंड टू का आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये जैसे ही नोटिफिकेशन के राउंड टू लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का शेड्यूल जारी हो जाएगा, आपके पास में दिखाई देगा। ये तो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 8 सितंबर 2024 को, यानी कि कितनी सीट वैकेंट रही है ये 8 सितंबर को हमें पता लग जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राजस्थान के राउंड फर्स्ट में अप्लाई नहीं किया था और वो राउंड टू में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उनके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 8 सितंबर 2024 से इनकी स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट 12 सितंबर 2024 रखी गई है यहाँ पर। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले पार्ट वन और पार्ट टू फिल नहीं किया था, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पार्ट वन और पार्ट टू फिल करेंगे, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था ये राउंड वन में। अब जिन्होंने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था, पार्ट टू नहीं किया था, तो पार्ट टू वो कंप्लीट करेंगे इसमें। तो ये पार्ट टू और पार्ट वन कंप्लीट करेंगे और ऐसे कैंडिडेट जो पहले रजिस्टर्ड हैं राउंड वन में, उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 12 सितंबर 2024 शाम 4 बजे तक फीस डिपॉजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 12 सितंबर 2024 रात 11:55 तक, जिन कैंडिडेट ने पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी ऐसे कैंडिडेट की जो PWD हैं, डिफेंस पैरामिलिट्री और NRI हैं, उनकी 13 सितंबर 2024 को प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, और उनको वेरिफिकेशन के लिए 14 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे SMS मेडिकल कॉलेज में जाना है और वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। तो वो वेरिफिकेशन के लिए वहाँ कैंडिडेट जा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड वन में ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए थे, PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI, उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन नहीं करवाए वो जा सकते हैं, चाहे उन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन नहीं किया तो वो इस राउंड में करवा सकते हैं। और फ्रेश कैंडिडेट तो करवा ही सकते हैं, वो तो करवाना ही है उनको। इसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी स्टेट की, वो 14 सितंबर 2024 को आ जाएगी। और इसके बाद में इन कैंडिडेट की लिस्ट आएगी PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI की वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट डाली जाएगी वो 14 सितंबर 2024 को डाली जाएगी। इसके बाद में प्रोविजनल वैकेंट सीट आएंगी रेजिग्नेशन के बाद, क्योंकि जिन फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर रखा है जिन कैंडिडेट ने और वो रिजाइन देना चाहते हैं तो वो 16 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक रिजाइन दे सकते हैं। और इसके बाद में 17 सितंबर 2024 को सीट मैट्रिक्स जारी होगा, कितने स्टूडेंट ने रिजाइन किया है वो सीट मैट्रिक्स में ऐड होके आ जाएंगे। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, वो 15 से 17 सितंबर 2024 तक होगी। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट की कंडीशन में 50,000 होती है सभी कैटेगरी के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट में मैनेजमेंट सीट यानी पेमेंट सीट लेना चाहता है उसके लिए 2 लाख रुपीज होती है, अगर कोई NRI सीट लेना चाहता है तो उसके लिए 5 लाख है, और प्राइवेट सीट लेना चाहता है प्राइवेट कॉलेज में उसके लिए भी 5 लाख है। BDS की कंडीशन में 10,000 रुपये है, चाहे वो गवर्नमेंट BDS हो या प्राइवेट BDS हो। अगर कोई कैंडिडेट 5 लाख रुपए डिपॉजिट करता है तो वो एलिजिबल रहेगा प्राइवेट के लिए और गवर्नमेंट दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा। अगर कोई कैंडिडेट 2 लाख रुपए डिपॉजिट करता है तो वो गवर्नमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए और गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल रहेगा, यानी हायर अमाउंट यहाँ एप्लीकेबल होगा। जो कैंडिडेट 10,000 रुपीज डिपॉजिट करता है वो गवर्नमेंट BDS और प्राइवेट BDS के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी सभी कैंडिडेट के लिए इक्वल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। इसमें जो गीतांजलि की एक सीट है प्राइवेट, जो गवर्नमेंट सीट है प्राइवेट कॉलेज की, उसके लिए भी सेम सिक्योरिटी है, यानी 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए है। और जो गवर्नमेंट की है उसमें आपके लिए जो फीस है वो फीस यहाँ पर 2 लाख और 5 लाख रखी गई है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे, जो न्यूली कैंडिडेट्स हैं वो, उनको ये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दिया है उनको दोबारा से डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। उनको दोबारा से डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अभी इसमें जो एक पॉइंट है यहाँ पर,
जो इसमें दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि जो गीतांजलि की एक सीट है गवर्नमेंट सीट उसके लिए आपको 50,000 रुपीज ये डिपॉजिट करना है, जो सिक्योरिटी मनी है वो 50,000 रुपीज यहाँ डिपॉजिट करना है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे एक गवर्नमेंट सीट के लिए। अब इसमें आगे जो ये आगे इसमें लिखा गया है वो लिखा गया है कि हायर अमाउंट एप्लीकेबल होगा। हायर अमाउंट का मैंने जो आपको बताया है कि अगर आप 5 लाख पे करते हैं तो सभी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अब चॉइस फिलिंग के लिए आप 15 से 17 सितंबर 2024 तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं। इसमें चॉइस फिल वो जो कैंडिडेट सीट लेना चाहते हैं उन सभी को चॉइस फिल करना है। सेकंड राउंड में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीट लेना चाहते हैं, उनको फ्रेश चॉइस फिल करना है। जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल की थी वो यहाँ पर नल हो जाती हैं, वो यहाँ आगे कंसीडर नहीं होती हैं। उन कैंडिडेट्स को चॉइस फिल करने की आवश्यकता नहीं है जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर ली और वो आगे फर्दर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते राउंड टू में, तो उनको यहाँ पर चॉइस फिल करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सारे कैंडिडेट को यहाँ चॉइस फिल करने की आवश्यकता है। जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता उसको यहाँ पर चॉइस फिल करने की आवश्यकता नहीं है, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर ली अपग्रेड नहीं करना चाहते उनको भी यहाँ आवश्यकता नहीं, लेकिन जो अपग्रेड करना चाहते हैं सीट लेना चाहते हैं उन सबको यहाँ चॉइस फिल करना जरूरी है। अब ये कैंडिडेट राउंड टू के लिए चॉइस फिल करेंगे। जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड हैं और उनको कहीं सीट नहीं मिली है राउंड वन में, या फिर राउंड वन में अलॉट उनको सीट हो गई लेकिन ज्वाइन नहीं किया, फ्री एग्जिट ले लिया, या फिर ज्वाइनिंग के बाद में रिजाइन दे दिया, तो वो सारी चॉइस फिल करेंगे यहां पर सीट लेना चाहते हैं। तो अब ज्वाइन कैंडिडेट जो राउंड वन में अपग्रेड करना चाहते हैं वो भी चॉइस फिल करेंगे, और जो नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो तो चॉइस फिल करेंगे ही करेंगे। तो ये इसमें कंडीशन है। और राउंड टू में अगर ज्वाइन राउंड वन में ज्वाइन कर लिया अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो उनको चॉइस फिल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें प्रिंटिंग के लिए डेट है वो 18 सितंबर 24 है, और राउंड टू का अलॉटमेंट आ जाएगा 20 सितंबर 24 को, यानी रिजल्ट 20 सितंबर 24 को आ जाएगा। यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर प्रिंट ले सकते हैं आप 21 से 25 तक, और फीस डिपॉजिट भी इसी डेट तक कर सकते हैं, और रिपोर्टिंग आपकी SMS में होगी। वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में 2 कॉपी फोटोकॉपी ले जाना है। ये 21 से लेकर 26 तक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगी। वहाँ आपको SMS में रिपोर्ट करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अब इसमें जो फीस का है वो ये है कि राउंड वन में जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, फीस डिपॉजिट की है, वो फीस ट्रांसफर हो जाएगी अगर उनको कोई अपग्रेड कॉलेज होती है, तो अपग्रेड कॉलेज हो जाती है तो फीस भी ट्रांसफर हो जाएगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे उनको राउंड टू में अगर उनकी कोई कॉलेज अपग्रेड होती है। तो अगर उनको जैसे फीस का डिफरेंस है, फीस राउंड वन में कम डिपॉजिट की, राउंड टू की फीस की कॉलेज ज्यादा है, यानी कि राउंड टू में जो कॉलेज अलॉट हुई है उसकी फीस ज्यादा है, तो वो फीस का डिफरेंस अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा जमा कर रखा है, राउंड वन की फीस ज्यादा है, राउंड टू की फीस कम है कॉलेज की, तो उसमें आपको फिर वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है, फीस आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। गवर्नमेंट की कंडीशन में सभी की सेम फीस है, इसलिए गवर्नमेंट की कंडीशन में तो किसी कैंडिडेट को ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब इसमें अगर किसी कैंडिडेट को उसने चॉइस फिल कर दी, राउंड वन में सीट मिल रखी है और उसने राउंड टू में दोबारा वही सीट भर दी और उसकी अपग्रेड होती है, यानी वही सीट उसको दोबारा मिल जाती है, तो उस कॉलेज में उसको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, उसमें सीट टाइप और कैटेगरी चेंज हो जाती है, तो फिर उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है, दोबारा रिपोर्ट करने की जरूरत है सेम कॉलेज के लिए। इसके बाद में जो आगे का प्रोसीजर है वो बाद में बताया जाएगा, और जो सेशन है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंडीशन थी सारी जो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का तो राउंड टू में है, वो अलॉटमेंट के बाद ही होगा जैसे राउंड वन में हुआ था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, पहले जो हुआ था फर्स्ट राउंड में कुछ दिन के लिए बाद में कैंसिल कर दिया था, तो उस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर किसी कैंडिडेट को राउंड वन की सीट से रिजाइन करना है, ज्वाइन कर रखी है अब उसको रिजाइन करना चाहता है वो, तो 16 सितंबर 24 शाम 5 बजे तक वो इसको रिजाइन कर सकता है। अगर उसके बाद नहीं रिजाइन करता है तो सेकंड राउंड के रूल उसके लिए लागू हो जाएंगे। तो ये जानकारी थी राजस्थान के राउंड टू के बारे में, ये सारी मैंने आपको जानकारी दे दी है, जो जो भी कंडीशन थी वो सारी की सारी बता दी है। लास्ट में यही बात है कि
कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड में च्वाइस फिल करना मैंडेटरी है जो सीट लेना चाहता है। फर्स्ट राउंड की च्वाइस यहाँ निल हो जाती है, तो फिर से च्वाइस फिल करना है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।